गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग। फ्रेंड्स आज जो मैं आपको दिखाने वाला इन्वेंट्री है सेक्टर 23 में, ये 276 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है। और इसमें क्या है फ्रेंड्स, अभी ये इसमें चारों फ्लोर अभी है अवेलेबल, प्राइस एंड ऑल सारा कुछ मैं डाल दूंगा, वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो ये इसका हो गया स्टिल पार्किंग। अगर बात करूँ इसकी लोकेशन की फ्रेंड्स, तो आप देख सकते हो 12 मीटर की रोड जा रही है प्रॉपर, और डिज़ाइन वाइज ये भी देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। सारे घर अच्छे से बने हुए हैं, प्रॉपर सारी कोठियाँ बनी हुई है जो कि आप देख सकते हो। और ये टी पॉइंट पे घर नहीं आता, इधर भी रोड जा रही है जो कि मैं आप बताना चाहूंगा आपको। इस तरफ भी देख सकते हो आप, लोकेशन वाइज ये भी देखने में काफी बेहतरीन, काफी अच्छा लग रहा है। सामने सारी कोठियां बनी हुई है। और ये इसका बेसिकली क्या है फ्रेंड्स, इसमें आप अगर बात करो इसकी फ्रंट एलिवेशन की, तो ये इसका फ्रंट एलिवेशन हो गया। आप देख सकते हो कि प्रॉपर इसमें यूपीवीसी के सारे साइडेड डोर्स मिल रहे हैं प्रॉपर, और इसमें वुडन क्लैडिंग का भी काम किया गया है। सारे आपको लाइट्स की प्रोविजन यहाँ पे दिए गए हैं, आउटर्स के सब प्रोविजन दिए हुए हैं। और ये इसका ये स्टिल पार्किंग हो गया। इसमें जो लिफ्ट मिल रही है फ्रेंड्स, ये ओटीएस की लिफ्ट मिल रही है इसमें। और इसमें आपको देख सकते हो ये इसका मेन गेट हो गया। यहाँ पे इसका आपको रैम्प एरिया है प्रॉपर, यहाँ पे सारी ये आपको मतलब एंट्री गेट यहीं से है। और अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया है मार्बल का, जो कि मैं बताना चाहूँगा आपको। फ्लोर में सारे में पत्थर का काम किया गया है इसमें। अगर बात करूँ इसकी वॉल की, तो इसमें भी सारे में टाइल्स का काम हुआ है जो कि आप देख पा रहे होंगे। ओटीएस की लिफ्ट की सारी एसेसरीज आ चुकी है इसमें, और काफ़ी अच्छा डील है फ्रेंड्स ये। अगर बात करूँ इसकी वाटर टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें ग्राउंड फ्लोर पे अभी मैं स्टिल पार्किंग में हूँ, एक गाड़ी की पार्किंग मिलेगी आपको पर फ्लोर इसमें। और ये इसमें 2000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी मिलेगा पर यूनिट इसमें आपको। टेरेस पे मिलेगा आपको 1000 लीटर का वाटर टैंक कैपेसिटी। इसका जो कम्प्लीशन है फ्रेंड्स, 2 महीने में आपका इसका आपको जो कम्प्लीशन मिल जाएगा। और ये आप देख सकते हो इस साइड जो लिफ्ट आएगी, ओटीएस की लिफ्ट यहाँ पर आएगी प्रॉपर, जो कि आप देख पा रहे हो ये। और ये इसका स्टेयर केस एरिया हो गया प्रॉपर, इसमें स्टील की रेलिंग दी गई है। और ये इसका हो गया पार्किंग एरिया फ्रेंड्स, प्रॉपर इसमें लाइटिंग का प्रोविजन दिया गया है। अगर बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की, तो इसमें काम किया गया मार्बल का, प्रॉपर लगी हुई मार्बल इसमें जो कि आप देख पा रहे होगे। और डिज़ाइन वाइज ये भी देखने में काफ़ी बेहतरीन, काफ़ी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, और इसके लुक्स को काफ़ी इन्हांस कर रहा है ये, जो कि आप देख पा रहे होगे। मूविंग ऑन टू दी इसका स्टेयरकेस एरिया हो गया। मूविंग ऑन टू द फ्लोर, तो यहाँ आप देख सकते हो इसका प्रॉपर यहाँ पे सॉफ्ट एरिया है, ये सारे कवर हो जाएंगे फ्रेंड्स ये। और ये वाला जो है फ्रेंड्स, इधर इसका फ्रंट व्यू हो गया, फ्रंट एलिवेशन भी इधर से ही है। और सामने में मैंने बताया था आपको, यहाँ पे इन्होंने कुछ बनाया हुआ है, यहाँ देख सकते हो वुडन क्लैडिंग का काम सारा कुछ किया हुआ है यहाँ पे प्रॉपर। और इसका फ्रंट व्यू हो गया ये। इसमें आपको जो लिफ्ट आएगी फ्रेंड्स, ओटीएस की लिफ्ट आएगी, फोर्थ फ्लोर तक ही आएगी। और इसमें भी आपको स्टेयर केस में भी इस तरफ आपको विंडो का प्रोविजन मिल रहा है लाइटिंग के लिए, यूपीवीसी की विंडो मिल जाएगी इसमें आपको। मूविंग ऑन टू द फ्लोर एरिया, गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज सूरज गुड़गांव ड्रीम व्लॉग। फ्रेंड्स आज मैं खड़ा हूँ सेक्टर 23 गुड़गांव में, और ये है साउथ वेस्ट फेसिंग प्रॉपर्टी है, 276 स्क्वायर यार्ड प्लॉट साइज है। कारपेट एरिया इसका 1650 स्क्वायर फीट कारपेट एरिया है। और ये फ्लैट में जो एंटर करते हो फ्रेंड्स, ये नॉर्थ वेस्ट फेसिंग है जो फ्लैट एंटर कर रहे हो। ओटीएस की लिफ्ट आ रही है इसमें। और ये वाली बिल्डिंग फ्रेंड्स अभी चारों फ्लोर है अवेलेबल, प्राइस मैं डाल दूंगा, वहां से चेकआउट कर लेना फ्रेंड्स। और बताना चाहूंगा मैं आपको कि यहाँ से आप एंटर किए हो, इसका लेआउट कैसा होगा मैं आपको, कि यहाँ से एंटर किए हो सामने में ये लिविंग एरिया हो गया, जस्ट राइट साइड में ये फर्स्ट रूम हो गया, अटैच वॉशरूम हो गया मेरे आपको लेफ्ट साइड में जो है फ्रेंड्स, ये वाला किचन एरिया हो गया फ्रेंड्स, और ये वाला हो गया सेकेंड बेडरूम, और ये वाला हो गया इसका थर्ड बेडरूम। और अगर मैं बात करूँ इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर काम किया गया है, इटालियन फ्लोरिंग काम हुआ है इसमें, जो कि आप देख पा रहे हो कि मार्बल लगी हुई है इसमें। और ये इसका हो गया लॉबी एरिया, लॉबी का साइज काफी बड़े साइज का लॉबी है ये। और कारपेट मैंने बताया था आपको 1650 स्क्वायर फीट इसका कारपेट एरिया है। सुपर बिल्डअप एरिया जो फ्रेंड्स, ये
23 स्क्वायर फीट जिसमें इंक्लूडिंग बालकनी और साफ सब आ जाएगा, 23 स्क्वायर फीट इसका जो है सुपर बिल्डअप एरिया है। और बताना चाहूंगा मैं आपको कि आप देख सकते हो इसमें ऑफ वाइट कलर की थोड़ी सी क्रीम कलर की जो काम किया गया मार्बल का, और फ्लोरिंग देखने में काफी बेहतरीन काफी अच्छा लग रहा है। इसमें आपको फॉल सीलिंग का भी काम हुआ हुआ है, फैंस के सारे प्रोविजन दिए गए हैं इसमें, लाइटिंग के प्रोविजन दिए गए हैं। और ये वाला ड्राइंग रूम हो गया, ये डाइनिंग हॉल हो गया, ये इसका लिविंग एरिया है। और इस हॉल में, इस बड़े साइज इस हॉल में आपको यहाँ इसमें भी स्लाइडर डोर्स मिल रही है, स्लाइडर विंडो मिल रहे हैं प्रॉपर। ये वाला इसका साफ्ट एरिया, ये आपको ओपन साफ्ट है ये, और यहाँ प्रॉपर आप स्लाइड करके आप प्रॉपर लाइट यहाँ से ले सकते हो। इन्होंने इसका भी प्रोविजन यहाँ पे दिया हुआ है। अब आप देख सकते हो कि ये इसका मूविंग ऑन टू दी ड्राइंग रूम, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है जो कि इसके लुक्स को, डिजाइन को काफी इन्हांस कर रहा है, ये जो कि आप देख पा रहे हो। और ये इसका हो गया लॉबी एरिया फ्रेंड्स। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की तो इसमें इटालियन मार्बल काम किया गया, मार्बल लगी हुई जो कि आप देख पा रहे हो। डिजाइन इसका फ्लोरिंग का काफी बेहतरीन लग रहा है डिजाइन। इसमें आपको यूपीवीसी के साइड डोर्स मिल रही है, दो ग्लास डोर एक नेट डोर मिल रहा है इसमें आपको। एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा क्या इसका साइज है, साइज काफी बड़े साइज का है ये। अगर मैं बात करूं बालकनी की फ्रेंड्स, तो ये रनिंग बालकनी है जो कि आपके किचन से, इस लिविंग एरिया से और ड्राइंग रूम एरिया से और फर्स्ट बेडरूम से ये कनेक्ट हो रहा है। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर टाइल्स का काम किया गया है। और ये इसका हो गया बालकनी जो कि आप देख पा रहे हो कि प्रॉपर इसमें काम किया गया रेलिंग का। इसमें आपको स्टील की रेलिंग मिल रही है, ग्लास इसमें इंटैक्ट हो जाएगा प्रॉपर। अगर बात करूं इसकी बालकनी की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर काम किया गया टाइल्स का जो कि आप देख पा रहे हो। ये डिजाइन ये भी देखने में काफी अच्छा है। इसमें आउटडोर्स के लिए प्रोविजन दिया गया है प्रॉपर। ये इसकी चौखट होगी, इसमें आपको यूपीवीसी की स्लाइडेड डोर्स मिल रही है और इसमें मार्बल का काम किया गया है, प्रॉपर पत्थर लगी हुई है इसमें। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर आपको जो है टाइल्स का काम इसमें भी किया गया है, पत्थर इसमें भी आपको प्रॉपर इसमें लगी हुई है जो कि आप देख पा रहे होगे। और ये भी देखने में काफी बेहतरीन काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। और इस तरफ भी आप देख सकते हो, ये वाला हो गया। मैं बताना चाहूंगा आपको लेआउट कैसा है। ये जस्ट आपको ये करंट हो रहा है जो मतलब फर्स्ट बालकनी इस किचन से, इस लिविंग एरिया से और इस फर्स्ट बेडरूम से फ्रेंड्स। अगर बात करें इसकी लोकेशन की, तो लोकेशन भी आप देख पा रहे हो कि लोकेशन देखने में काफी बेहतरीन काफी अच्छा लग रहा है ये। और ये इसका लोकेशन हो गया, सामने में जो है ये आपको 12 मीटर की रोड जा रही है इधर। और फ्रेंड्स ये टी पॉइंट पे नहीं आता है क्योंकि टी पॉइंट वाला घर ये हो गया जो कि आप देख पा रहे हो। और लोकेशन वाइज ये भी देखने में काफी बेहतरीन है, सामने सारी कोठियां बनी हुई है प्रॉपर, लोकेशन भी काफी बेहतरीन है। और जस्ट यहाँ से हल्का सा आगे जाओगे तो मेन रोड आ जाएगी सेक्टर 23 वाली। मूविंग ऑन टू दी फर्स्ट बेडरूम जो कि इस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें प्रॉपर आपको टाइल्स का काम किया गया है, सारे वेट्रीफाइड सेरेमिक वेट्रीफाइड टाइल्स लगी हुई इसमें, यूपीवीसी के सारे डोर्स लगी हुई इसमें, आपको फॉल सीलिंग का काम इसमें हुआ हुआ है, लाइटिंग की प्रोविजन इसमें दी गई है प्रॉपर जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा। प्रॉपर इसमें लाइटिंग का प्रोविजन दिया हुआ है जो कि आप देख सकते हो। ये इसमें आपको जो मतलब एसी के लिए भी प्रोविजन दिया हुआ है, इसमें साइड डोर्स मिल रही है आपको, दोनों यूपीवीसी की डोर्स है ये सारे। और ये इसका बालकनी हो गया, मैंने बताया था आपको ये इसका बालकनी हो गया, रनिंग बालकनी है ये जो कि करंट हो रहा है किचन से, इस लिविंग एरिया से और इस फर्स्ट बेडरूम से। और इसमें टफन ग्लास का काम सारा हो जाएगा फ्रेंड्स। लोकेशन में बताया था आपको, लोकेशन काफी बेहतरीन काफी अच्छा है देखने में। और इसका जो कंप्लीशन है फ्रेंड्स, 2 महीने बाद मिल जाएगा। इसमें भी सामान रखा हुआ है बट अभी मैं जो दिखाऊंगा सेकंड बेडरूम उसी साइज का, सेम साइज का ये। मूविंग ऑन टू द सेकंड बेडरूम जो कि इस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है ये, और ये इसका सेकंड बेडरूम है फ्रेंड्स। और अगर बात करें इसकी फ्लोरिंग की, प्रॉपर ये कवर किया गया है कि इसमें स्ट्रेसेस न लगे इस वजह से। और इसमें साइड डोर्स मिल रहे हैं यूपीवीसी की, फॉल सीलिंग का काम इसमें नहीं हुआ हुआ, प्लेन सीलिंग का काम हुआ हुआ है इसमें। एसी के लिए प्रोविजन इसमें दिया गया है, साइड डोर्स मिल रही यूपीवीसी की। और ये इसका कवर्ड एरिया हो गया फ्रेंड जो कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा, प्रॉपर ऊपर तक प्रॉपर ये इंटैक्ट है। और इससे ये इसका वॉशरूम हो गया फ्रेंड्स, इसमें सारे सेरामिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है, सारे जगवार की फिटिंग लग जाएगी उस तरफ जो है फ्रेंड्स। इसमें
वुडन टाइल्स का काम किया गया है, ये शावर एरिया हो गया, ये सीट एरिया हो गया, ये इसका वॉश बेसिन एरिया हो गया, नीचे वारंटी का प्रोविजन भी मिल रहा है इसमें आपको मार्बल टॉप के साथ। फिटिंग्स इसमें सारे जगवार के मिलेंगे और इस विंडो में भी आपको पॉइंट छोड़ा गया है एग्जॉस्ट के लिए, फैन के लिए भी इसमें प्रोविजन दिया गया है प्रॉपर। और डिजाइन आप देख सकते हो, डिजाइन देखने में काफी बेहतरीन, काफी अच्छा लग रहा है। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें ग्रे कलर की टाइल्स का काम किया गया है और जो कि देखने में इसकी लुक काफी एनहांस कर रही है, काफी अच्छा लग रहा है। और मूविंग ऑन टू द बैक साइड बालकनी जो कि इस सेकंड बेडरूम से कनेक्ट हो रहा है, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इसकी बालकनी की, प्रॉपर काम किया गया है इसमें, लोहे की आयरन की रेलिंग बनी हुई प्रॉपर इसमें। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें पत्थर का काम किया गया, मार्बल लगी हुई ग्रेनाइट का काम किया गया है इसमें जो कि आप देख पा रहे हो ये। और इधर जो है वॉशिंग मशीन के लिए इन्होंने यहाँ चैम्बर बनाया हुआ है, प्रोविजन दिया हुआ है, सॉकेट पावर सॉकेट यहाँ पे दिया हुआ है जो कि आप देख पा रहे हो ये। और ये पीछे का स्पेस हो गया फ्रेंड्स जो कि आप देख सकते हो ये। और यहाँ सामने सारे कोठियां बनी हुई है, लोकेशन वाइज ये भी देखने में काफी बेहतरीन, काफी अच्छा लग रहा है। इनका ये अपना ग्रीन बेल्ट बनाया हुआ है इन्होंने छत पे जो कि देख सकते हो आप, लोकेशन वाइज पीछे से भी काफी बेहतरीन लग रहा है फ्रेंड्स जो कि देख सकते हो। मूविंग ऑन टू दी थर्ड बेडरूम जो कि इस लॉबी से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, एक बड़ी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये इसका थर्ड बेडरूम हो गया फ्रेंड्स। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की, इसमें भी सेरामिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर, इसमें फ्लोरिंग में सारा कुछ अभी कवर किया गया है कि आपको स्क्रैचेस ना लगे। इसमें आपका फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ जो कि आप देख पा रहे हो। लाइटिंग के लिए इसमें आपको प्रोविजन दिया हुआ है, एक बड़ी मैं लाइट सारे ऑन कर देता हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप देख सकते हो लाइटिंग के सारे प्रोविजन दिए हुए हैं इसमें। यूपीवीसी के सारे डोर्स मिल रहे हैं इसमें आपको, एसी का प्रोविजन मिल रहा है इसमें आपको। और इसमें भी इस तरफ आपको इसमें वार्डरोब मिल रहा है, ये इसका मास्टर बेडरूम हो गया फ्रेंड्स, ये प्रॉपर इसमें ऊपर तक इंटैक्ट है ये। मूविंग ऑन टू दी वॉशरूम एरिया, अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें ग्रीन कलर की इसमें टाइल्स का काम किया गया, सारे वेट्रीफाइड सेरेमिक टाइल्स लगी हुई है जो कि देखने में इसके लुक्स को काफी एनहांस, काफी बढ़ा रही है फ्रेंड्स से। इस तरफ देख सकते हो विंडो का प्रोविजन मिल रहा है, यूपीवीसी की विंडो मिल रही है इसमें आपको, एग्जॉस्ट की प्रोविजन दिया गया है और ये फॉल सीलिंग का भी काम इसमें हुआ हुआ है। और ये आपको वारंटी मार्बल टॉप के साथ फिटिंग सारे जगवाड़ के जो मिल रहे हैं आपको। ये वाला हो गया शावर एरिया, ये इसका कमोड एरिया, ये इसका वॉश बेसिन एरिया हो गया फ्रेंड्स। इधर आप देख सकते हो यहाँ प्रॉपर टाइल्स का काम किया गया है, ऊपर तक पूरी इंटैक्ट है ये। और डिजाइन आप देख सकते हो, देखने में ये भी काफी बेहतरीन, काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरफ जो है फ्रेंड्स बीच में इन्होंने वुडन टाइल्स का काम किया हुआ है, बीच में जो यहाँ पे इन्होंने कुछ लाइटिंग के लिए वहां प्रोविजन छोड़ा हुआ है। वही वन टू द बैक साइड बालकनी, ये थर्ड बेडरूम से कनेक्ट हो रहा है फ्रेंड्स, सेम बालकनी है। फ्लोरिंग की बात करूं मैं, अगर इसमें ग्रेनाइट का काम किया गया, पत्थर लगी हुई प्रॉपर, यहाँ चैम्बर बनी हुई है, यहाँ भी इन्होंने प्रोविजन भी छोड़ा हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। आप यहाँ सारे आउटर्स के लिए यहाँ प्रोविजन दिए गए हैं, दो आउटर्स के लिए यहाँ दिए गए प्रोविजन, सारी पीवीसी की डोर्स विंडोज सब यहाँ बनी हुई है। अगर बात करूँ इसकी रेलिंग की फ्रेंड्स, तो इसमें प्रॉपर आपको आयरन की रेलिंग मिल रही है प्रॉपर, ऊपर में मार्बल टॉप के साथ इन्होंने दिया हुआ है यहाँ पे जो कि आप देख पा रहे होंगे, उस तरफ भी दिया हुआ है दोनों तरफ मार्बल टॉप के साथ। और ये इसका पीछे का बैक व्यू हो गया, ये भी आप देख पा रहे होंगे, लोकेशन वाइज ये भी देखने में काफी बेहतरीन, काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। मूविंग ऑन टू द किचन एरिया, और मैं बताना चाहूंगा आपको कि जस्ट आप फ्लैट से एंटर करते ही लेफ्ट साइड में किचन है, ये इसका लेआउट हो गया ऐसा, और ये किचन हो गया। अगर बात करूं इसकी फ्लोरिंग की फ्रेंड्स, इसमें सेम सेरामिक वेट्रीफाइड टाइल्स का काम किया गया है इसमें, प्रॉपर मॉडल किचन बन रही है। ये इसका पैंट्री एरिया हो गया, इस तरह छोटी सी बनी हुई है, बीच में आपकी फ्रिज आ जाएगी इधर। अगर बात करूँ इसकी प्लेटफॉर्म की फ्रेंड्स, इसमें काम किया गया है मार्बल का, टॉप पे व्हाइट कलर की प्लेटफॉर्म बनी हुई प्रॉपर, बीच ऊपर सारे बॉक्सेस आ जाएंगे, बीच में सारा टाइल्स लग जाएंगे। इसमें भी आपको यूपीवीसी की डोर्स का प्रोविजन मिल रहेगा, चिमनी के लिए वहां पे होल किया गया प्रोविजन दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ मतलब ओवन के लिए सारे प्रोविजन यहाँ पे छोड़े हुए हैं जो कि आप देख पा रहे हुए हैं, और सारे नीचे बॉक्सेस बने हुए हैं फ्रेंड्स।
और ये कनेक्ट हो रहा है फर्स्ट बेडरूम से, लिविंग एरिया से और इस किचन से। ये इसका बालकनी हो गया, यहाँ पे इन्होंने टाइल्स का काम किया हुआ है प्रॉपर। ऊपर में सारे मार्बल लगी हुई है जो कि देख सकते हो आप। नीचे बात को फ्लोरिंग की, इसमें टाइल्स का काम किया गया है प्रॉपर, सारे वेट्रीफाइड सेरेमिक टाइल्स लगी हुई है। ये आपको रनिंग बालकनी है जो कि मैंने बताया था आपको। इसमें सीलिंग की बात करूं मैं फ्रेंड्स, इसमें वुडन क्लैडिंग का काम किया गया है, लाइटिंग के लिए सारे प्रोविजन दिए हुए इसमें जो कि आप देख पा रहे होंगे। इवन पिलर में भी सारे वुडन क्लैडिंग का काम किया गया है जो कि इसके लुक्स को काफी इन्हांस कर रहा है फ्रेंड्स ये। और इस तरफ भी जो है आउटर्स के लिए प्रोविजन दिया हुआ यहां भी। और ये इसका किचन का फ्रंट व्यू हो गया। मूविंग ऑन टू लॉबी एरिया, लॉबी का डिजाइन भी काफी बेहतरीन, काफी अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स। इस तरफ जो है लिविंग एरिया हो गया, ये इसका ड्राइंग रूम एरिया हो गया। यहाँ पे भी इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का काम हुआ हुआ है प्रॉपर, इटालियन फ्लोरिंग का काम इसमें हुआ हुआ है। साइड या डोर्स मिल रही है, ये वाला सॉफ्ट एरिया हो गया। तो फ्रेंड्स ये था आज के लिए, प्राइस जो सारा कुछ मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, व्हाट्सएप चेकआउट कर लेना। अच्छा लगा वीडियो प्लीज वीडियोस को पूरा देखो, आप लोगों के लिए मैं डेली मेहनत करता हूं कि आप लोग वीडियोस को पूरा देखो। जहां कुछ आप लोगों को लगे कि समझ में नहीं आए प्लीज उसको डाल दो आप मतलब कमेंट सेक्शन में, कि वहां से मैं देख लूंगा क्या है नहीं है। अच्छा लगा लाइक से सब्सक्राइब करो, ऐसा वीडियो मैं लाता रहूँगा फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।